महज 7 घंटे में पवन सिंह का गाना महादेव का दीवाना हूँ ने भाई एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस गाने ने 7 घंटे में 1.3 मिलियन व्यूज़ हासिल किया है, 85,000 लाइक्स। जी हाँ, ऑर्डिनरी अगर पवन के गाने रिलीज़ होते हैं इतनी लाइक्स तो उन्हें उनके गाने पर जल्दी नहीं मिलती। हाँ, लाइक्स आती ज़रूर है लेकिन काफ़ी कम मात्रा में। लेकिन यहाँ पर जब से सावन शुरू हुआ है ऐसा लग रहा है ये सावन पूरी तरह से भाई पवन सिंह के नाम ही होने वाला है। वो जितने भी गाने लेकर आ रहे हैं सभी को बहुत ही ज़ोरदार और ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। और इस बार भी पवन सिंह के इस गाने को बहुत ही ज़ोरदार और ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। पवन के इस गाने का हर कोई दीवाना हुए जा रहा है और सभी ने, जितने लोगों ने देखी है, और जब पवन सिंह ने इस बात की अनाउंसमेंट भी की कि ये जल्द ही गाना रिलीज़ हो जाएगा, तब भी लोगों का रिस्पॉन्स देखने बनता था। और आपको ये बता दें कि 7 घंटे के अंदर इस गाने ने एक रिकॉर्ड हासिल किया है, 1.3 मिलियन व्यूज़, यानी कि 13 लाख लोगों ने देख लिया है इस गाने को सिर्फ 7 घंटे के अंदर। और साथ ही साथ पवन सिंह का और एक धमाका होने जा रहा है। जी हाँ, साड़ी पर का फोटो, जी हाँ, इस गाने का ट्रीज़र रिलीज़ कर दिया गया है और इस गाने के वीडियो का ट्रीज़र रिलीज़ किया गया है। इस गाने के वीडियो के ट्रीज़र को भी लोग पसंद कर रहे हैं और जल्द ही गाना भी हो सकता है आज और कल में ही रिलीज़ हो जाए। आपको तो पता ही है पवन का ये गाना रानी चटर्जी के साथ है और लोग इस गाने को बहुत पसंद करेंगे क्योंकि इस गाने के ट्रीज़र को भी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। साथ ही साथ पवन का एक सैड सॉन्ग और पवन का एक रोमांटिक सॉन्ग भी बहुत जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा। तो जितने भी पवन के फैंस हैं वो खुश ही हो रहे हैं क्योंकि सावन में तो भाई पवन सिंह ने बरसात कर दी है गानों की। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।